बचपन से ये पुरानी दोस्ती है। आप कैसे हैं? फैमिली इज गुड। हमें केदार भाई क्या कर रहे हैं? कोविड में पूरे बाल उड़ा दिए। क्या गिरा है? हाँ हाँ जाओ। आप तो आई जाओ यार। मत करो। ये लोग किसको लेते हैं? ये लोग
डिजास्टर मैनेजमेंट की पुलिस या एजेंसी वो भी यूज करते हैं ना ज़्यादा भी वो पता नहीं कोई गवर्नमेंट रहना जरूरी सर 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 रुकिए विवेक सर साहब सर 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 विवेक सर विवेक सर विवेक सर एक सेकेंड एक सेकंड ये अभी पैनिंग बाद में करना और पीछे पीछे है परान परान पीछे सर जरा सर थैंक यू Thank you.
दो राय नहीं है, किसी सोशल कॉज के लिए निकलते हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। पूरे इनिशिएटिव्स के बारे में एम्पल फाउंडेशन पुरार का, अमीशा मेगा फाउंडेशन और आपकी प्रेजेंस। सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा यार, चाहे कोविड हो, चाहे जम के बारिश हो रही हो, आप लोग ये सारी अच्छी बातों को कवर करने आते हैं। सनसनी खेज खबरें तो बहुत सारी चीजें लोग कवर कर ही लेते हैं, लेकिन पहले तो हृदय से आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग अच्छी चीजों को कवर करते हैं, पॉजिटिव मैसेज को भी आप लोगों तक, आम जनता तक, आवाम तक पहुंचाते हैं, तो सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। और हाँ, मुझे लगता है कि समाज में हम लोगों को, हर एक इंसान को अपने लेवल पे जितना हो सकता है यथाशक्ति लोगों की मदद करनी चाहिए, और उसी से समाज का उद्धार होगा, उसी से लोग खुश होंगे, उसी से देश आगे बढ़ेगा। देश कब आगे बढ़ेगा? जब लोग आगे बढ़ेंगे। लोग कब आगे बढ़ेंगे? जब एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये मदद की भावना जो है, इसको छोटे छोटे कार्यों से भी अगर हम मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, मुझे ऐसे लगता है। क्या कहना चाहेंगे एम्पल फाउंडेशन के बारे में विवेक, आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले बीएमसी के जो वर्कर हैं, जी बिल्कुल, फ्रंटलाइन वर्कर, उनको भी मुबारकबाद। नहीं, इनके जो छोटे भाई हैं, मेरे बचपन से मित्र हैं मनीष, तो उनको मैं कम से कम कितने 20-25 साल से जानता हूँ। 25 साल से ज्यादा शायद, अभी ज्यादा बोलोगे तो मेरी उम्र पता चल जाएगी लोगों को, एक्टर के लिए अच्छा नहीं है ये। तो अनुषा के बारे में तो सब जानते हैं। अनुषा वो जोड़ है, वो फेविकॉल है, वो ग्लू है जो सब अच्छे कामों के बीच में रहती है और हर चीज़ों को जोड़ते रहती है, और मुझे वो उसके बारे में बहुत पसंद है। चाहे वो पर्यावरण के लिए हो, चाहे वो एनिमल्स के कॉज हो, चाहे वो सोशल कॉज हो, चाहे गरीब बच्चे को हो, लोगों की पढ़ाई के लिए हो, ब्लड डोनेशन ड्राइव हो, सब जगह अनुषा अपनी बड़ी बिंदी लेकर बिल्कुल आगे, क्या कहते हैं, लीडर बन के आगे चलती हैं। तो हम लोग सब तनुषा के नक्शे कदम पे चलते हैं भाई। नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अनिल जी, टू विवेक जी फॉर हैविंग कम एंड डूइंग इट। राहुल हैज बीन, यू नो, ही हैज बीन द मैन हु इज सेफगार्डिंग आवर एरिया ऑल द टाइम। नहीं होते ना तो हमारे यहाँ के कोई भी बेवड़े हिलते नहीं थे। तो इनसे इंस्पिरेशन मिला, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, तो फिर मैंने अनिल जी और विवेक जी से रिक्वेस्ट किया, और इनके इनिशिएटिव पे वी आर डूइंग अ स्मॉल थिंग टू पीपल हु डू सच बिग थिंग्स फॉर अस। And I'm so grateful, Vivek ji, for everything that you're doing for us. And thank you, Anil ji. Sir, हमारे senior inspector आए हैं। आइए सर। ये हमारा अच्छे, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत solid लग रहे हो यार। Thank you. आइए ना। ऐसा लग रहा है अभी जिम से उतर के आओ। नहीं नहीं। Pump मार रहे हो। जाता हूँ ऐसे। नहीं, दिख रहा है वो। बोलने की ज़रूरत नहीं है। दिख रहा है कितना जाते हो आप जिम। अनिल जी, जब विवेक जैसी शख्सियत आपको इस तरह के इनिशिएटिव में हिस्सा लेने की हौसला आप जाइए छोड़ूंगे ना, और कितनी बात दूर भाग जाती है ना। देखो, मैं अक्सर बोलता हूँ ये बात, आज फिर विवेक भाई के सामने बोलूँगा। आवाम तक दो ही चीज़ समझ में आती है, आवाम को अब बुरा नहीं मानना। सबसे पहले तो विवेक भाई ने जैसे कहा, आप भाइयों का रियली नमन कि आप जुटे हुए हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ के हर चीज़ को कवर करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। बात करें अपन आवाम की, तो जो बॉलीवुड की भाषा है और एक ऊपर वाले का खौफ, वही आवाम के समझ में आता है, और इसीलिए इस तड़के को जोड़ना ज़रूरी है। बात करें इन भाइयों की, दादा आपको नमन, जिस तरीके से आप लोग जुटे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम जैसे बदमाशों को संभालने के लिए, थैंक यू सो मच। इट्स ग्रेट। नहीं, सीनियर साहब ने ही बता दिया, बहुत ही अच्छा हुआ है, उन्होंने अभी इनपुट दिया, बहुत बढ़िया, बड़ी बात है। कोई हमें अप्रिशिएट करते तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी गर्व होता है, उससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, हम अच्छा काम करते हैं आगे जाके। थैंक
चलो थैंक यू थैंक यू इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता कैसे हो थैंक यू रिकॉर्ड ऑन दैट